मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं वेव ऑप्टिक्स सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे थे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में दो आपको लॉ पढ़ना है, एक तो ब्रूस्टर्स लॉ जो मैंने कंप्लीट कर दिया आपका, दूसरा है मैलस लॉ। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है, आज हम लोग पढ़ेंगे मैलस लॉ जो इम्पॉर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। वेव ऑप्टिक्स में मैंने प्लेलिस्ट में दो पार्ट बनाया है, वेव ऑप्टिक्स पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो है, और पार्ट टू में हम लोग पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन, जिसमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, ये हम लोग का पढ़ना था। 12th क्लास के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में सेकेंड पार्ट जो फिजिक्स का दूसरा बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी, जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर पीएमटी स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट के लिए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। सब लोग पहले सेकेंड बुक कर रहे हैं एनसीईआरटी का, नाउ नीट एंड आईटी मेन एडवांस। एक लेक्चर आपका कल हो गया, पहले लेक्चर वन कंप्लीट करना है आपको, देन लेक्चर टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे अनपोलराइज लाइट। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था अनपोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट। स्टार्ट करें अनपोलराइज लाइट से, स्टार्ट करेंगे जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, और उसको पोलराइज कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा। सो फर्स्ट पॉइंट, अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट, सो लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। और मैंने आपको बोला था कि आप घर में जो बल्ब यूज कर रहे हैं, जैसे आप अपने स्टडी रूम में जो बल्ब यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ये बल्ब आप यूज कर रहे हैं, और बल्ब जैसे ही आप बल्ब ऑन करते हैं तो इससे जो लाइट निकलेगा वो लाइट का जो वाइब्रेशन होगा, ऑसिलेशन होगा सारे डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में भी आएगा, वाई डायरेक्शन भी रहेगा, जेड डायरेक्शन में भी, हर डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशनल लाइट है, हर डायरेक्शन में लाइट के जस्ट पार्टिकल जो है ऑसिलेट करते रहेंगे, और ऐसे लाइट को ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट है जो आप पढ़े हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह आप ड्राइंग बनाना है जो लास्ट क्लास भी पढ़े थे, 11th में भी आप पढ़े हुए हैं, बट रिपीट करते रहना है। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट लगेगा, हम लोग रिविजन कर लेंगे कि ये है आपका अनपोलराइज लाइट। या ऑर्डिनरी लाइट भी आप बोल सकते हैं। हम लोग डिस्कस किए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 11th क्लास के टॉपिक में, या 12th में भी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो मैंने लास्ट क्लास भी आपको बताया था कि आप ये ब्लू पेन आप समझिए कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, ये लाइट का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, ब्लू पेन हो गया, रुकिए, ब्लू पेन हुआ ना, इसके परपेंडिकुलर लाइट जो है, इसके परपेंडिकुलर एक जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो आपके घर में कोई बल्ब चल रहा है, टेबल लैंप पे बल्ब चल रहा है, वहाँ से जो लाइट निकलता है वो 3D लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, उसके वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में हो रहा है, आप लेफ्ट साइड हैं, राइट साइड हैं, टॉप में रहें, बॉटम में, हर जगह इक्वल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे लाइट को ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, और वो लाइट 3D लाइट ऐसे बनता है, ये 3 डायमेंशन लाइट हुआ। ब्लू पेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग होता है, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे ऑसिलेट करते रहता है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऐसे लेफ्ट राइट ऐसा ऑसिलेट करते रहता है, यही जो कम्बिनेशन है यही लाइट बोलते हैं, ये जो ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज लाइट कहिएगा इसको। सो ये 3D लाइट हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये ऐसे प्रोपिगेट करते हुए आपके कॉपी की तरफ आ रहा है।
जो आपके घर में रूम में आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, जो बल्ब आप जला रहे हैं, वहाँ से लाइट आपके कॉपी की तरफ आ रहा है, आप नोट कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो लाइट को आपको ऐसे रीड करना है कि आपके रूम से जो बल्ब आया उससे लाइट ये आ रहा है लाइट कॉपी की तरफ। ये जो लाइट कॉपी की तरफ आ रहा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और सारे एंगल जो है 90 डिग्री पे हैं आपको। यही जो लाइट है ये कॉम्बिनेशन, इसी 3D लाइट को ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। बट अगर मैं इसमें से एक फील्ड को, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिमूव कर दूं, हटा दूं, तब तो मेरे पास एक्स वाई प्लेन, सिर्फ दो ही प्लेन बना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक प्लेन बना और टू एक्सिस हुआ। तो ये जो लाइट है ये लाइट अब ऐसे चलेगा, आपकी कॉपी की तरफ ऐसे आ रहा है, इसी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। कैसे बनाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। थोड़ा सा ऑप्टिकल रोटेशन भी पढ़ना है 12 में, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, वो केमिस्ट्री का भी पार्ट है, फिजिक्स का भी पार्ट है। सो ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट जो हुआ यही प्लेन पोलराइज PPL लाइट बोलते हैं, कि ये लाइट जो हुआ सिर्फ एक प्लेन में ऑसिलेट करेगा। जबकि ऐसा लाइट हुआ जो आप बल्ब जला रहे हैं रूम में, आपके रूम में जो बल्ब है उससे लाइट इमिट कर रहा है रियल लाइट, ये 3D लाइट ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा और ये ट्रेवल करेगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से लाइट बनता है, जिसको ऑर्डिनरी लाइट, और घर में जो बल्ब जला रहे हैं आपके रूम में जो जला हुआ बल्ब उसमें से यही लाइट निकल रहा है। अगर इस लाइट में से अगर एक को हटा दें, आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा दें, तो ये 2D लाइट हो गया। इसी को साइंस में PPL बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कैसे करना है वो मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास भी ब्रूस्टर्स लॉ में मैंने बताया था कि अगर लाइट जो रिफ्लेक्ट हो गया, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। आप छोटा सा यहाँ पे टर्म रिपीट करेंगे, है कई बार हम लोग पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं, और फिर आगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, 11th में भी है, खूब डिटेल में वहां भी पढ़े हुए हैं, यहाँ भी पढ़ लेंगे, रिविजन हो जाएगा हम लोग का। सो आप यहाँ पे बनाएंगे कि ये जो लाइट है ऐसे आप बना दें, यही है अनपोलराइज लाइट। सो ये लाइट आप बनाएंगे ड्रॉइंग, और आप बताएंगे कि ये जो लाइट है वो है वेक्टर ई, और इसको ऐसे भी बनाना है आपको, पीछे की तरफ भी ऐसे बना दीजिएगा। आप बोलेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आप बना लेंगे, और इसको डॉट डॉट ऐसे पीछे भी थोड़ा कर लेंगे आप, और इसको लिखेंगे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और सारे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री आ रहा है, इसमें आप ऐसे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, और यहाँ से ऐसे ड्राइंग करेंगे, सब 90 डिग्री पे मिलेगा सारा लाइट। तो ये था आपका ऑर्डिनरी लाइट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और दोनों परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन रहेंगे। ये लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वैक्टर सी, ये तो ये है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट ऐसा हुआ जो हम लोग जानते हैं, और डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा आपको जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाऊंगा। तो स्कूल में आता है तो आप सिंपल ऐसे ड्राइंग बनाएंगे, ये ड्राइंग बना के दिखा दीजिए, ऐसे भी बना देंगे, और आप एक्सप्लेन कर देंगे कि ऑर्डिनरी लाइट अनपोलराइज्ड लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं द ऑर्डिनरी लाइट। ऑलरेडी लिखा हुआ कॉपी में, अपने से आप लिख भी सकते हैं, मेन साइंस को ड्राइंग से पढ़ा कीजिए, जब आप ड्राइंग बनाएंगे स्टेटमेंट आप खुद लिख लेंगे, और मैं लिखवा दूंगा ना, मैं फिर से बना दूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आप ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो मैं फिर से बता दूंगा। अच्छा, अब मुझे इससे कन्वर्ट करना है
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इससे मुझे प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाना है। वो बनाने का मेथड मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, जिसमें मैं बता दूंगा। निकोल प्रिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिन बनाया था जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास मैं डिस्कस कर दूंगा। बस अभी आपको सोचना यही है कि ये 3D लाइट है। ऐसे पेन को अरेंज कर लेंगे आप, ये है आपका पेन का अरेंजमेंट, तीनों कलर आप बना लेंगे। ये लाइट है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये 3D लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। अगर मैं इसमें से एक को हटा दूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं अलग कर दूं, ये जो आ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन हो गया, इसे लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। लाइट विच ऑसिलेट इन ओनली वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। कैसे बनाएंगे, कैसे उसको हटाना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास समझा दूंगा। वो केमिस्ट्री का भी पार्ट है, फिजिक्स का भी पार्ट है। एक लेक्चर और मैं इस पर लूंगा, सो नेक्स्ट क्लास मैं समझा दूंगा आपको। सो सेकेंड पार्ट आपको लिखना है प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। यहां आप लिखेंगे लाइट विच ऑसिलेट इन ओनली वन प्लेन। सो आप नोट करेंगे लाइट विच इन ओनली वन प्लेन, डिफाइंड एज PPL लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे बनाएंगे आप। फिगर ऐसे दिखा देंगे, सो ऐसे आप फिगर बना सकते हैं, ऐसे बना लेंगे और इसको सिर्फ एक प्लेन में ऐसे लाइट को दिखाएंगे। यह लाइट का ऑसिलेशन ओनली वन प्लेन। ये केमिस्ट्री में भी ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट वहां भी पढ़ना आपको, आइसोमर्स के अंदर, ऑप्टिकल आइसोमर्स, वहां भी मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे और यहां भी हम लोग पढ़ लेंगे ऐसे। ये लाइट को या फिर आप सिंगल ऐसे भी बना सकते हैं, सिंगल ऐसे बना सकते हैं। ये है PPL। PPL को पूरा नाम लिखेंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसा ये PPL लाइट वो प्लेन पोलराइज लाइट। अब ऑर्डिनरी लाइट से PPL कन्वर्ट करना है, उसके लिए तो थोड़ा नेक्स्ट क्लास मुझे टाइम दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दूंगा, एक प्रिज्म बता दूंगा, निकोल प्रिज्म है जिसमें ऑप्टिकल रोटेशन हमें डिस्कस करना है। तो एक क्लास हमको टाइम दीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, वो बता दूंगा मैं कि ऑर्डिनरी लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट कैसे कन्वर्ट करना है। केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी कॉमन टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास मैं डिस्कस कर देता हूं। थर्ड पॉइंट, अभी आपको ये सीखना था, ऐसे सीखना था, ठीक है ना। मान लीजिए ये अनपोलराइज लाइट है, ऐसे बना लीजिए। इसको जो पास करते हैं, ये जो पास करेंगे यहां से, इसको हम लोग पास करेंगे यहां से ऐसे, ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे इस साइड को बनाना है। इसमें एक एक्सिस रहेगा, ऐसे एक्सिस रहेगा, ऐसे बना रहा था इसमें। मान लीजिए मैं एक ही लाइन बना रहा हूं, इस एक्सिस को हम लोग पास एक्सिस बोलते हैं। यहां से लाइट को वो पास करने देगा, ये है पास एक्सिस। एग्जाम में आते रहता है पास एक्सिस, वो क्वेश्चन में खूब अच्छे से करूंगा, क्वेश्चन करके ही आप सीखेंगे। क्वेश्चन जब खूब प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा आसान है, इंपॉर्टेंट है, आसान है। सो जैसे ये पास करिएगा, यहाँ से जो होगा आप ये पास एक्सिस से जैसे ये निकलेगा, वो निकलने के बाद ये देखिएगा, इस पास एक्सिस से जो है
वो यहाँ से जो लाइट निकलेगा ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, सिर्फ एक प्लेन वाला लाइट जो है निकलेगा आपको, और ये लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो आप ऐसे ड्राइंग कर लेंगे। ये लाइट है पीपीएल लाइट, पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। इसको हम लोग कई नाम बोला जाता है, पोलराइजर बोलते हैं, पोलराइजर हुआ, पोलरॉइड बोलते हैं, पोलराइजेशन सीट बोलते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं, कई नेम आता है। यही है, इसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि कैसे ये अनपोलराइज को पोलराइज में कन्वर्ट कर देता है, वो निकोल प्रिज्म है, नेक्स्ट क्लास श्योर में बता दूंगा आपको। सो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको पोलराइजर और पोलराइड बोलते हैं, और पोलराइजेशन सीट बोलते हैं, कई नेम आता जो कि आपको कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करेगा अनपोलराइज इनटू द पोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट, ये कन्वर्ट कर देगा अनपोलराइज, जो अनपोलराइज है उसको पोलराइज में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा नेक्स्ट, ऐसा करने पे क्या होगा आपका, आप देखिए तो जरा। आप जानते हैं कि ये अनपोलराइज लाइट जो है, अनपोलराइज लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। आप पढ़े हुए हैं कि ये अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट जो है ये ब्लू कलर वाला लाइट जो है वो इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये लाइट, इनके कॉम्बिनेशन से ये अनपोलराइज लाइट बना हुआ है। बट जैसे ही इसको हम पोलराइजर से पास करेंगे, एन पोलराइजर बोलते हैं, पोलराइड हुआ, पोलराइजेशन सीट, निकोल प्रिज्म बोलते हैं, जैसे आप पास करेंगे वो इस मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक क्योंकि उसके एक्सिस को देखिए, ये वर्टिकल पास एक्सिस है, ये पास एक्सिस है, वर्टिकल पास एक्सिस। जैसे मैं आपको कोई पेपर बताऊं, पेपर में स्ट्रिप, जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक पेपर में लेता हूं, मान लीजिए एक मैंने व्हाइट पेपर लिया, व्हाइट पेपर ले लिया और मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता दे रहा हूँ, इस तरह से व्हाइट पेपर लिया और व्हाइट पेपर पे जो है सोचिए कि ऐसे मैंने इस तरह से इसमें एक स्ट्रिप कट कर दी, देखिए हाँ हो गया, इतना काफी है समझने के लिए। तो ये व्हाइट पेपर मैंने ले लिया और ये व्हाइट पेपर, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो है मेरा पोलराइजर हो गया, पोलराइड हो गया, पोलराइजेशन सीट हुआ, इसी टाइप का सीट रहेगा। इसमें टूरमेलिन क्रिस्टल आता है, निकोल प्रिज्म आता है, मैं नेक्स्ट क्लास आपको श्योर बताऊंगा। तो ये है आपका पोलराइजेशन सीट हुआ या पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजर हुआ, इसका ये एक्सेस जो है ना, ये एक्सेस जो देख रहे हैं ये पास एक्सेस हुआ। चलिए अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं, ये है ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये समझ में आ रहा है आपको, यस कई बार पढ़े हुए। अब आप बताएंगे ये मेरा जो सीट हुआ, ये सीट, यही पोलराइजेशन सीट है। अब पोलराइजेशन सीट जैसे इस लाइट के सामने ऐसे रखूंगा, पोलराइजेशन सीट देखिए, ये लाइट क्या करेगा, इसको जाने देगा, इसको जाने देगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, राइट वाला लाइट इसके पैरेलल है, तो इसको तो ऐसे जाने देगा, बट ये जो है आप बताइए, ग्रीन वाला पेन को उसको रोक लेगा, ग्रीन वाले पेन को नहीं जाने देगा, सॉरी। तो बताइए जब इसको ऐसे पास कर देगा, इसको जाने देगा, क्योंकि ये होल के रास्ते में है चला जाएगा, बट ये ग्रीन को नहीं पास करने देगा। यही तो मैं चाह रहा था कि आपका जो लाइट है ये 3D लाइट है, जैसे ही आप इसको पोलराइजर से पास करेंगे, ऐसे प्लेन बना हुआ है, तो वो ऐसे जाने देगा बट इसको रोक लेगा, ये हट जाएगा, जैसे ही हटेगा ये बन गया प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल लाइट हो गया, वो राइट साइड मैंने बनाया आपको।
अच्छा, इससे क्या हुआ आपका? इससे आपको ये सीखना है कि इससे आपका इंटेंसिटी जो होगा ना वो हाफ हो जाएगा। जैसे लाइट का इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी में ये भी कंट्रीब्यूट करता है और ये भी कंट्रीब्यूट करता है। दोनों लोग इंटेंसिटी बनाएंगे, पर जैसे आप इसको पास करेंगे, ये तो हट गया, ये रास्ते से किनारे हो गया। अब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हुआ वो हो गया आई नॉट बाई टू, जो इनिशियल इंटेंसिटी है उसका हाफ हो जाएगा। तो आप नोट करेंगे यहाँ पे, ऐसे आप बना लीजिए I not intensity of unpolarized light। ठीक है, अब इसको पास कर दीजिए, एक पोलराइजर से पास कर दीजिए जिसका पास एक्सिस ऐसे हो, ऐसे पास एक्सिस हो, ये पोलराइजर को जैसे इसमें से लाइट बाहर निकलेगा वो लाइट पोलराइज लाइट होगा, ऐसे सिर्फ इसका ऑसिलेशन वर्टिकल प्लेन में ऐसे चलेगा। ये है इसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकल चुका है। तो ये आपको सीखना है। सो ये है आपका पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट हो, ठीक है। सो देखिए, ये पोलराइजर हुआ और इसके इंटेंसिटी जो है उसके पास एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। ये है आपका, ये पास एक्सिस है, पास एक्सिस हो, लिख लीजिए। मैं छोटा छोटा और पॉइंट आपको समझाता हूं। ये इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप जैसे वर्टिकल है, चाहे आप इसके ओरिएंटेशन को, आप पास एक्सिस को वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, फिर भी यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू होगा, नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड नहीं करता कि पोलराइजर का जो एंगल पास एक्सिस कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अनपोलराइज लाइट ले रहे हैं, फिर से यहाँ बना लेना है आपको, ये अनपोलराइज लाइट आई नॉट, ये है पोलराइजर, कैसे भी रखिए पोलराइजर का पास एक्सिस ऐसे कर लीजिए, इसको बोलते हैं पास एक्सिस, जहां से लाइट को पास करने देगा। तो यहां पे आप बन जाएगा पीपीएल लाइट, ऐसे बन जाएगा। सो ये है पीपीएल जिसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू, अभी भी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू ही रहेगा पीपीएल, नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। आप वर्टिकल रखें पोलराइजर, चाहे आप हॉरिजॉन्टली पोलराइजर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अनपोलराइजर है, अनपोलराइज लाइट है, जब इससे पास करेगा तो प्लेन पोलराइज लाइट में इंटेंसिटी हाफ होना ही, वो डिपेंड नहीं करता। आप ऐसे ही बना के दिखाना है, कर लीजिए, अनपोलराइज का इंटेंसिटी आई नॉट है, एक पोलराइजर लगा लीजिए, इसका पास एक्सिस ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहां पे आएगा, ऐसे लाइट आ जाएगा, देखिए इस प्लेन में चलेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, आई नॉट बाई टू, सो पीपीएल लाइट, सो प्लेन पोलराइज लाइट हो, एक प्लेन में रहेगा, ऐसे रहे चाहे इस तरह रहे चाहे ऐसे रहे, पास एक्सिस रोटेट कर रहे हैं, आप कोई भी एंगल पे रख रहे हैं, सो कोई डिपेंड नहीं करता। सो हमेशा इंटेंसिटी जो होगा आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू ही रहेगा। अगर अनपोलराइज लाइट है, पोलराइजर से पास करेंगे, उसके पास एक्सिस या तो वर्टिकल रहे या पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहे या पास एक्सिस इंक्लाइन रहे, एनी एंगल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे भी रहेगा, उस साइड जब निकलेगा तो वो पीपीएल बनेगा और एक फील्ड हट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हटा, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये आपको जानना था। नेक्स्ट,
अब देखिए ठीक है, अब नेक्स्ट सीखना है ठीक है, और पीपीएल लाइक अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट का नेक्स्ट समझिए, यहां पे छोटा छोटा पॉइंट, अगर आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोचिए ऐसा ऐसा छोटा सा मैं बना रहा हूं, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट ठीक है, और यहां पे अगर आप पोलराइजर रख रहे हैं, यहां पे पोलराइजर, और पोलराइजर का पास एक्सिस ऐसा है, तब तो इसको बाहर निकल जाएगा और पूरा इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो पूरा इंटेंसिटी जैसा है, मान लीजिए कि पीपीएल है और इसका आई, आई द इंटेंसिटी ऑफ पीपीएल लाइट, पीपीएल लाइट का इंटेंसिटी है, और अगर आपका पास एक्सिस ऐसा है और दोनों पैरेलल है, देखिए ऐसे दोनों पैरेलल, तो लाइट एकदम ऐसे जाएगा और इस एक्सिस से पास होकर के निकल जाएगा, यहां इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज, प्लेन पोलराइज्ड है, अनपोलराइज रहता तो घट जाता, बट ये अगर प्लेन पोलराइज है और ये पोलराइजर का पास एक्सिस पैरेलल है तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट का आई का आई रहेगा जो इंटेंसिटी आई है, और ये लाइट भी आपका प्लेन पोलराइज लाइट ही रहेगा, अनपोलराइज रहता तब ना आपको हाफ करता, बट ये पोलराइज ही है, ये भी पोलराइज है, इंटेंसिटी सेम रहेगा, ये पोलराइजर है आपका, ये हो नेक्स्ट, देखिए आप ये है प्लेन पोलराइज लाइट, इंटेंसिटी इसका आई है और यहां से अगर आप इसको पास करेंगे एक ऐसे पोलराइजर में, सोचिए जिसका पास एक्सिस ऐसा, अगर इसका पास एक्सिस ऐसा, पास एक्सिस इस तरह से ठीक है, ऐसा पास, और ये प्लेन पोलराइज है, ये प्लेन पोलराइज है और पास एक्सिस वैसा करना है, अब बताइए राइट साइड, राइट साइड में यहां जो मिलेगा, यहां जो मिला ठीक है, यहां जो लाइट मिला आपको यहां पे, उसका इंटेंसिटी कितना, सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया, मान लीजिए ये है आपका लाइट, आपका प्लेन पोलराइज, ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसा, ये है प्लेन पोलराइज लाइट ठीक है, ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसा हुआ, ऐसे सोचे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहां पे जो पोलराइजर है, पोलराइजर ये पोलराइजेशन सेट है, पोलराइजर, अब पोलराइजेशन को ऐसे रखेंगे, ये इसके और इसके पैरेलल रखेंगे, तब तो ये निकल जाएगा पूरा का पूरा, ऐसे निकल जाएगा पूरा, पैरेलल रखेंगे तब, बट अगर मैं परपेंडिकुलर कर दूं, सोचे कि सीट को मैंने ऐसे रखा, ऐसे रख दिया, अब ऐसे लाइट इंटर किया, इंटर किया, ऐसे गया, ऐसे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल पाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो वो लाइट का इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, यहीं से तो मैलस लॉ शुरू हुआ था, नो लाइट इमर्जेंट लाइट, सो राइट साइड में इंटेंसिटी जीरो, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई लाइट निकलेगा ही नहीं ठीक है, वहां पे कोई नहीं निकलेगा, और अगर मान लीजिए ये है आपका प्लेन पोलराइज लाइट, ये इंटेंसिटी आई है और ये है एंगल, मान लीजिए ये जो पोलराइजर है उसमें ये एंगल है आपका, एंगल मुझे समझाना पड़ेगा, बस ऐसे सोचिए कि पास एक्सिस, तो यहां पे जो निकलेगा ना कुछ लाइट आएगा, कुछ लाइट यहां पे आएगा, ये इसमें तो जीरो हो जाएगा, 100% जीरो, कुछ भी लाइट नहीं निकलेगा, पास नहीं करेगा, बट अगर एंगल रहे, यहां पे एंगल रहे, एंगल क्या मीनिंग होता है, जस्ट उसका वेट करना है, यहां पे मैं समझाऊंगा आपको, यहां इंटेंसिटी जीरो नहीं रहेगा, वो वही मैलस लॉ है, उसी के लिए हम लोगों को पढ़ना मैलस लॉ, यहां लाइट, कुछ लाइट निकलेगा, कुछ लाइट फिल्टर हो जाएगा, कुछ लाइट यहां पे आएगा और वो लाइट का इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा, वो कितना होगा वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, तो ये तो समझना था कि यहां पैरेलल रहेगा पोलराइजर, तब तो एकदम पूरा लाइट निकल गया, इंटेंसिटी आई का आई रहेगा, बट इंटेंसिटी अगर आपका आई है और अगर जो आपका पोलराइजर है, पोलराइजर 90 डिग्री पे रहे,
तब तो एक भी लाइट वहां नहीं निकल पाएगा। और अगर कुछ एंगल है, सर्टेन एंगल थीटा रहेगा, उस केस में वहां पे जो हो जाएगा इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा। कितना होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ये है पोलराइजर, पोलराइजर लिख लीजिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा आसान है, बट क्वेश्चन खूब सारे आए हुए हैं, सो आप नोट करेंगे इसको। सो नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट, और यहीं से मैलस लॉ स्टार्ट होता है कि वो डाटा कितना होगा। जीरो तो नहीं है, ये तो पता चल रहा है कि 100% कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, लाइट इमर्ज नहीं करेगा। बट एनी एंगल, अगर एंगल पे कुछ बेंडिंग रहे, पास एक्सिस किसी एंगल पे बना रहेगा, देन तो वो वहाँ पे जो आएगा हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, ये है मैलस लॉ, उन्होंने बताया था ऐसा। देखिए एकदम स्टार्टिंग से, सबसे पहले आप एक अनपोलराइज लाइट ले लें। ऐसे अनपोलराइज बनाने का तरीका ये है, आप 3D लाइट ऐसे बना लेंगे और ऐसे इसके नीचे लिख लेंगे कि ये अनपोलराइज लाइट। और मान लीजिए इसका इंटेंसिटी I0 है, इंटेंसिटी ठीक है। अब देखिए, अब इसको पास कर दीजिए एक पोलराइजर से। मान लीजिए एक पोलराइजर से आपने पास किया, पोलराइजर का पास एक्सिस ऐसे है, इस तरह से पास एक्सिस है, वो मैटर नहीं करता। आप कोई भी, मैंने समझाया था अनपोलराइज है, कैसे भी पास एक्सिस रखिएगा वो बाहर निकलेगा, इंटेंसिटी हाफ कर देगा। सो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि ये है पोलराइजर का पास एक्सिस है, ठीक। यहां से जब लाइट निकलेगा तो वो लाइट कन्वर्ट हो गया पीपीएल लाइट में, लाइट ऐसे आ जाएगा। ये लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, आई द इंटेंसिटी ऑफ पीपीएल लाइट। आप जानते हैं I का वैल्यू जो होगा वो आपको पता है, I0/2 होगा, ठीक है, ये आप जानते हैं। क्योंकि अनपोलराइज लाइट जैसे ही पास करिएगा पोलराइजर से, वो उसका इंटेंसिटी हाफ कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को रोक लेगा, और इस तरह आपको I0/2। मान लीजिए इसका इंटेंसिटी I है, लाइट इंटेंसिटी I है, इंटेंसिटी I है, मान लीजिए मैंने I ले लिया, वो I का मतलब है I0/2। नेक्स्ट आपको एक एनालाइजर लगाना पड़ेगा, पोलराइजर एंड एनालाइजर। एनालाइजर क्या है, वही चीज है भाई, पोलराइजर ही है, बस आंख के सामने रहता है, उसको लोग एनालाइजर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोलराइजर, ठीक है, ये एक्सिस देखिए, इसका पास एक्सिस ऐसे, ये पास एक्सिस शुरुआत वाले का पोलराइजर का, और इसका पास एक्सिस, मान लीजिए इसका पास एक्सिस ऐसे, और यहां से एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, थीटा एंगल बना। सो ये इनिशियल है, यहां पे देख रहे हैं कि इनिशियल वर्टिकल है और वो एंगल बना रहा है थीटा, और इसको साइंस में बोलते हैं एनालाइजर। ऐसे है पोलराइजर ही, यही पोलराइजेशन सीट ही है वो, ठीक है। बट जैसे ही यहां से बाहर निकला लाइट, एनालाइजर इसलिए बोलते हैं कि हम लोग यहां से व्यू करते हैं, यहां से मेरे आंख के सामने मुझे यहां देखना होता है ना कि क्या है आपका, कैसे पोलराइजर जो है कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा लाइट, ऐसे बाहर निकलेगा, तो इस लाइट का, यहां जो लाइट फाइनली लाइट जो निकला, इस लाइट का जस्ट इंटेंसिटी I फाइनल, जो फाइनल इंटेंसिटी इमर्जेंट इंटेंसिटी, वो इक्वल टू I cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, यही है मैलस लॉ। इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट फ्रॉम एनालाइजर,
एनालाइजर जो मेरे आंख के सामने है वो एनालाइजर से जो लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी आई कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड द एंगल बिटवीन एनालाइजर, पास्ट एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड पास्ट एक्सिस ऑफ एनालाइजर। यही छोटा सा लॉ, फेमस लॉ, मैलस लॉ बना। मैलस लॉ स्कूल में आता है, आपको यही डिफाइन करना है, फिगर बना के आप प्रेजेंट करेंगे एंड जस्ट अपना स्टेटमेंट लिख लें और सिर्फ आप वहां प्रेजेंट करना आई एफ। सो यहां आप फिगर बना लेंगे और सारे टर्म बनाएंगे, फिर क्वेश्चन में खूब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो पोलराइजर एनालाइजर, आंख के सामने रहा एनालाइजर, जो ऑर्डिनरी लाइट के सामने रहा पोलराइजर। ऐसे आई का मतलब आई नॉट बाई टू भी आप लिख सकते हैं वहां पे, पूरा बट फिगर बनाना पड़ेगा, पूरा ऐसे बना करके दिखाना है। ऑर्डिनरी लाइट को पहले पीपीएल में कन्वर्ट करिए और अब एनालाइजर से पास कराइएगा। सो थीटा आप नोट करेंगे, यहां मैं लिखते रहा हूं आई एफ। सो इंटेंसिटी ऑफ ऑफ इमर्जेंट लाइट बीम from analyzer हो गया, ये है थीटा, एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। बस ये ड्राइंग करें काफी, स्कूल में आता है मैलस लॉ, ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप लिख दें यहां पे। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि फाइनल इंटेंसिटी, मैलस लॉ में ये भी लिखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा ये मैलस लॉ हुआ। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है आपका, आपने लिख लिया, एक ग्राफ बना देते हो आप, एक आप ग्राफ बनाएंगे, एम्स का ग्राफ था, एम्स में आया हुआ था ग्राफ 6। इसको एप्लीकेशन मैं करूंगा, बहुत सारा एप्लीकेशन सिखाऊंगा मैं आपको, आप क्वेश्चन करेंगे यहां पे 6। सो आई फाइनल जो हुआ वो इंटेंसिटी और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो प्लीज आप प्लॉट करेंगे, ये एम्स का क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपके, आपके स्लाइड बना के डाल दूंगा आपको। छोटा ये कई बार आप पढ़े होंगे, इतना मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो ये कुछ है नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर, तो निगेटिव तो नहीं होगा, इंटेंसिटी नीचे तो नहीं जाएगा। अगर आप जीरो डिग्री करेंगे कॉस जीरो, अगर आप जीरो डिग्री यहाँ पे करते हैं जीरो डिग्री पे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम कर लीजिएगा। और कॉस अगर यहाँ 90 डिग्री करते हैं 90 डिग्री, तो इंटेंसिटी ये 90 डिग्री करेंगे तो इंटेंसिटी 90 डिग्री पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री जीरो, कॉस पाई अगर आप 180 करेंगे 180 पे इंटेंसिटी फिर से हाई होगा। बस हो गया, आप दो तीन कर्व हो गया, दो तीन पॉइंट हो गया, एनफ है, आप ऐसे ग्राफ बना लेंगे। हो गया बस, ठीक है, एम्स का क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे आप तुरंत बना लेंगे। आप जानते हैं कि 90 डिग्री कॉस जीरो डिग्री पता है, कॉस जीरो डिग्री का मतलब वन हुआ, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मतलब हुआ जीरो, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस वन होता है, बट स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो फिर प्लस वन हो गया, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं,
उसको हम लोग समझते हैं, जो मेलस लॉ पढ़े हुए हैं उसको हम लोग प्लानिंग करते हैं, समझते हैं कैसे क्वेश्चन कैसे आता है। पहले तो ऐसे फिगर आप बना लेंगे, सिंपल सा आप ऐसे ड्राइंग करेंगे कि मान लीजिए ये मेरा अनपोलराइज लाइट है, ऐसे भी बना सकते हैं, बोलते रहिएगा ये अनपोलराइज लाइट आई नॉट है, पास करिए, एक एनालाइजर से पास करना है आपको जिसका पास एक्सिस ऐसे पैरेलल है, ठीक है, इधर बाहर निकला, ये लाइट प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बोलिए इसका इंटेंसिटी, बोलिए अनपोलराइज है, पोलराइजर है, इंटेंसिटी इसका हाफ हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट, अगर एनालाइजर, सोचिए कि अगर एनालाइजर ऐसे रहा, इसका भी पास एक्सिस दोनों पैरेलल हो गया, अगर एनालाइजर ऐसे, तो आप देखेंगे ये लाइन ऐसे और ये भी लाइन ऐसे, बताइए दोनों में एंगल, अगर दोनों का पास एक्सिस पैरेलल है, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। बताइए यहां जो फाइनल लाइट निकलेगा, ये जो फाइनल लाइट निकल रहा है, बताइए उसका इंटेंसिटी, ठीक है, आप पढ़े थे आई फाइनल इज इक्वल टू ये वैल्यू, ये आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, सो आई फाइनल आई नॉट बाय टू, ओके, फिर से अप्लाई करिए, जो आप पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट उसको यूज करना सीखिए। क्वेश्चन बैट देखा कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है कि अनपोलराइज लाइट, ठीक है, फिर से देखें, अनपोलराइज है, इंटेंसिटी आई नॉट है, पास करिए पोलराइजर, ठीक है, बोलिए इधर जो लाइट आया, यहां जो लाइट आया वो प्लेन पोलराइज लाइट हुआ, बोलिए इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू, यस आई नॉट बाई टू हाफ होगी, अगेन इसको पास करेंगे एक एनालाइजर, एनालाइजर का पास एक्सिस ऐसे है, एनालाइजर का पास एक्सिस ऐसे ऐसे पास एक्सिस, ऐसे पेपर में इस तरह भी लिखा रहता है, लाइनिंग भी बना रहता है, ऐसे ढेर सारा ऐसे लाइन रहेगा, मैं एक एक लाइन बना के दिखा रहा हूँ, चाहे ऐसे बना रहेगा, एनालाइजर का पास एक्सिस ऐसे। अब इधर जो लाइट निकलेगा, ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, पोलराइजर ऐसे है, उसका पास एक्सिस ऐसे है, एनालाइजर का पास एक्सिस ऐसे है, और अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, और आपने जो पढ़ा था मेलस लॉ कि आई जो फाइनल हुआ वो ये है, इससे बाहर निकालना है ना, तो इसको लेना है आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री 0, फाइनल इंटेंसिटी जो हो गया वो 0, यहां नो लाइट, यहां पे फाइनल इंटेंसिटी जो आ जाएगा वो 0, नो लाइट, कहीं कोई लाइट नहीं मिलेगा, कहीं लाइट नहीं मिलेगा, नो लाइट, ये क्वेश्चन में एग्जाम में रहता है, कोई 0 डिग्री मैंने समझाया, 90 डिग्री बताया, एग्जाम में 60 डिग्री रहेगा, 40 डिग्री रहेगा, 45 रहेगा, उसी पे क्वेश्चन रहता है। तो करते हैं प्लान, कुछ क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं स्लाइड देता हूँ आपको, स्लाइड देता हूँ, और फिर आप प्लानिंग बनाना है, फिगर बनाना है, यही चीज़ें
फिगर बना करके आप अपना ड्राइंग करके आप सॉल्व करिएगा। 7, 8, 9 चलिए मैं ड्राइंग मैं क्वेश्चन का स्लाइड बना के ऐड करता हूँ, आप रोक करके उसको स्टॉप करना है, ड्राइंग करना है और देन सॉल्व करना उसको। तो सबसे आसान सबसे कॉमन क्वेश्चन 3 डैम्स पूछा हुआ, जो आईटी मेन में भी पूछा हुआ है कि अगर यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी आई नॉट है, इट पासिस थ्रू पोलराइजर या पोलराइजेशन सी पोलराइड है, सो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, जो आप जानते हैं कि जैसे आप पास करेंगे ये एक प्लेन पोलराइज लाइट हो गया और प्लेन पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी हो गया I0 by 2 हो गया, जो आधा लाइट निकल जाएगा, आधा लाइट मैग्नेटिक फील्ड को ये रोक लेगा, जो रोक लेगा वो भी पूछा हुआ है कि आधे लाइट तो निकल जाएगा बट आधा लाइट जो हुआ वो उसमें से पास नहीं करेगा, तो ये जो नहीं पास किया वो भी पूछा हुआ पेपर में कि इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट रे I0 by 2, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच नॉट ट्रांसमिटेड ये भी I0 by 2, आधा बाहर निकल गया आधा पास कर गया। आपने देखा था फिगर, मैंने बना के दिखाया था आपको कि ये है आपका लाइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पोलराइजेशन सीट हुआ, ये पोलराइजेशन सीट हुआ, अगर आप इसमें से पास करेंगे तो ये एक लाइट निकल जाएगा ऐसे और एक रुक जाएगा, तो जो रुक गया वो भी पूछा हुआ पेपर में। मैंने अभी 3 क्वेश्चन दिया ना आपको, एक आईटी मेन का भी उसमें था क्वेश्चन कि जो नॉट ट्रांसमिटेड ये नहीं ट्रांसमिट हुआ ये ट्रांसमिट हो गया, जो बाहर निकला उसका इंटेंसिटी I0 by 2 और जो ट्रांसमिटेड नॉट ट्रांसमिटेड उसका इंटेंसिटी भी I0 by 2। सो यहां पे आपको लिखना था इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट हो गया, और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट ट्रांसमिटेड वो भी I0 by 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्लाइड देता हूं, आप सॉल्व करेंगे, है बड़ा आसान, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके, आईटी मेन के क्वेश्चन, एक दो पीएमटी क्वेश्चन भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सो नेक्स्ट मैंने 3 क्वेश्चन का आपको स्लाइड दिया था, 3 क्वेश्चन मैंने 1, 2, 3 ऐसे करके स्लाइड दिया था, तो क्वेश्चन में तीनों एक जैसा है बट एक का आंसर अलग है आपका, क्यों अलग हुआ वो चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने दिया था कि एक अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट ऐसे था और इसका इंटेंसिटी है I0, ठीक है आपका, और ये पास करना है, इसको पास करना है 2 निकोल्स ब्रिज में, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ कि 2 निकोल्स, टू निकोल्स वही है, मैंने निकोल वही बताया था कि निकोल ब्रिज, मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा आपको कि वो जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करता है,
वही निकोल प्रिज्म है, नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो ये जो हिंट लिखा हुआ टू निकोल्स का मतलब हुआ, टू निकोल्स में एक को मानना है कि एक पोलराइजर है और दूसरे को आपको मानना है कि एनालाइजर है। सो पोलराइजर ऐसे लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि नेक्स्ट एनालाइजर जो हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एनालाइजर जो है उसका ओरिएंटेशन 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे क्वेश्चन में लिखा हुआ। इसके रिस्पेक्ट में इसका ओरिएंटेशन जो है वो 60 डिग्री पे। सो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो मैं इस साइड देखूंगा, इमर्जेंट लाइट का इंटेंसिटी हमको चाहिए, ऐसे इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट चाहिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये है आपका अगर लिखना हो तो इसको पोलराइजर, ये है एनालाइजर, ठीक है। सो आप बताइए जैसे ही पोलराइजर से लाइट निकलेगा, ये पोलराइजर से लाइट निकला तो यहां पे एक प्लेन पोलराइज लाइट हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी यहां पे आई नॉट बाई टू हो गया, ये जानते हैं आप आई नॉट बाई टू। और फिर नेक्स्ट एनालाइजर है, एनालाइजर पोलराइजर के बीच में एंगल लिखा हुआ पेपर में 60 डिग्री है, और 60 डिग्री होने के चलते यहां जो लाइट निकला इंटेंसिटी ऑफ फाइनल लाइट, सो इंटेंसिटी जो फाइनल लाइट का निकलेगा वो है मैलस लॉ आई नॉट बाई टू। आई नॉट बाई टू मतलब इसको ले रहा हूं जो इस पर इंसिडेंट कर रहा है, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये हुआ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देख लीजिए आप जानते हैं यहाँ साइड में वर्क करना हो कॉस 60 डिग्री साइंस का होता है 1/2, तो 1/2 आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा तो ये 1/4 हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट बाई यहाँ पे 4 × 2 = 8 होगी, होगी। कुछ आंसर ऐसे लिखा हुआ है, कुछ आंसर में ऐसे भी लिखा हुआ है कि नाउ इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज अगर आप 100 मल्टीप्लाई कर लें बाय 8 और आई नॉट करें तो परसेंटेज में आप लिख सकते हैं 12.5% ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इंटेंसिटी आप लिख सकते हैं कितना इमर्जेंट हुआ, तो 12.5% ऑफ आई नॉट। सो जो स्टार्टिंग का लाइट है उसका 12.5% आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। तो दो क्वेश्चन तो आपका हो गया, तीन क्वेश्चन मैंने दिया था, तीन क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ये है, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट ले और इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट के परसेंटेज में था, हो गया। नेक्स्ट 11। बट एक क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहा था बट उसमें आंसर जो लिखा हुआ था वो आई नॉट बाई फोर, तो वहां देखिए उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई यहाँ बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ सीधे बात कर रहा है। ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है थर्ड वाला क्वेश्चन उसमें आप देखते तो उस क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ बात हो रहा है कि ये इंटेंसिटी जो है आई नॉट, ठीक है लिखा हुआ है यहाँ पे कि आई नॉट, वो क्वेश्चन में था आई नॉट लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इनिशियल से नहीं शुरू हो रहा है उस क्वेश्चन में, ठीक है उस क्वेश्चन देखिएगा आप एक बार बैक करके भी देख सकते हैं। सो लिखा हुआ था इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, ऐसे लिखा हुआ था ऑफ पोलराइज लाइट था, तो बताइए जब पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, तो यहां पे अब जैसे आप पुट करेंगे तो मैलस लॉ में ये यूज करते हैं यहां पे, तो आपका हो जाएगा एस आई नॉट, आई नॉट यहां से शुरू करेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आई नॉट बाई क्या हो गया आपका 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, मैं इसको मिटा दे रहा हूं आपको, 60 डिग्री पे तीन क्वेश्चन है बट एक क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है, उसमें लिखा हुआ था आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट, वो बीच से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में यहां से स्टार्टिंग था तो आंसर थोड़ा सा चेंज किया, हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं,
सेम क्वेश्चन तो है ही, तो आईटी में भी क्वेश्चन एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ये तो ऐसे बस आप ड्राइंग करेंगे तुरंत बना लेंगे। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है आपका, टू पोलराइड्स है, अनपोलराइज लाइट है, इंटेंसिटी आई नॉट, और जैसे इसको आप पास कर रहे हैं, आप पास करके ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर पोलराइजर है, पोलराइजर ऐसे है, तो यहाँ से जो लाइट निकला वहाँ इंटेंसिटी हो गया आपका आई नॉट बाई टू, प्लेन पोलराइज लाइट हो गया, इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू हुआ। और नेक्स्ट जो पोलराइजर है उसका ओरिएंटेशन 45 डिग्री पे है, तो नेक्स्ट पोलराइजर जो लिखा हुआ है उसका ओरिएंटेशन 45 डिग्री ऐसे पेपर में लिखा हुआ आपको। तो यहाँ इमर्जेंट लाइट जो चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, जो एनालाइजर जो आप देखेंगे उसके लिए पूछा जाएगा। कितना आसान है आपका मैलस लॉ, एकदम इजी सा। सो इंटेंसिटी फाइनल द आई नॉट बाई टू, ये है इंटेंसिटी, इसको यूज करना है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। आप जानते हैं कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2, 1/2, 1/4, सो ये हो गया। हो गया। नेक्स्ट एक मेडल क्वेश्चन लेता हूं मैं। जो नीट का क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था उससे ड्राइंग तो यही बना, क्वेश्चन का ड्राइंग आपको बनाना होता है, एक मिनट में सॉल्व करना आपको। सो टू पोलराइड P1 P2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिखा हुआ क्वेश्चन में, पास एक्सिस 90 डिग्री पे है, बट अचानक बीच में एक नया पोलराइड लाने के लिए बोल रहे हैं कि एक P3 एक नया पोलराइड रास्ते में रख दीजिए, जो इससे P1 P3 में एंगल 45 डिग्री, P3 एंड P2 में एंगल अगेन 45 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ, ठीक है। देन आपको बोला गया कि फाइनल फाइनल वो लाइट का इंटेंसिटी चाहिए, तम इजी, बहुत आसान सा, दो पढ़ते थे, दो की जगह तीन चार दे देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तम इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से जैसे लाइट निकला लाइट का इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू, ये तो कंफर्म है आई नॉट बाई टू, ठीक है। नाउ यहाँ इनके बीच में एंगल है 45 डिग्री, यहाँ थीटा जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। सो मैलस ने ये बताया कि यहाँ जो इंटेंसिटी हो गया वो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू, ये जो इंसिडेंट हो रहा है ये, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये मैलस का लॉ था, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/2, ये जो आई हुआ आई का नाम हो गया आई नॉट बाई फोर, हो गया, ठीक। आगे बढ़िए, मैलस ने यह बताया कि बताइए इस पोलराइड के बीच में ये इस एक्सिस को देखेंगे, ये वाला एक्सिस ऐसे, और इसका ये एक्सिस देखेंगे ऐसे, बताइए इन दोनों के बीच में भी एंगल है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हो गया। मैलस ने यह बताया कि था कि ये आई फाइनल जो होगा वो, पहले आप इसको ले लेंगे, आई फाइनल का मतलब जो इंसिडेंट आ रहा है उसको पकड़ेंगे, ये आई और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, सो आई फाइनल जो हो गया आई, आई का मतलब हुआ आई नॉट बाय 4, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाय 2, सो आई फाइनल जो हो गया वो हुआ आई नॉट बाय 8। ये था आंसर आपका पीएमटी क्वेश्चन, तो आप ड्राइंग बना लें उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। सो 13 आईटी मेन का क्वेश्चन मैं देता हूं। सो आईटी मेन का क्वेश्चन 2019 का, कितना इजी, पहले मेडिकल क्वेश्चन आया था पीएमटी में, क्वेश्चन था 2017 का, वही क्वेश्चन तो कॉपी किया गया, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया गया है आपका।
आप लैंग्वेज जो है, जो स्टेटमेंट है, उससे आप रीड करेंगे, लिखा हुआ है कि P1 और P3 क्रॉसेस, क्रॉस का मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ऐसे क्रॉस कर रहा है, और बीच में एक नया पोलराइडर लगाया गया है जो P2 जो है P3 के पास एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। नाउ वो फाइनल इंटेंसिटी बाय इनिशियल बाय फाइनल का रेशियो चाहिए। चलिए जल्दी से, कुछ सेकंड बस लगेगा आपको, यहाँ जल्दी बताएंगे। यहाँ से जैसे ही पास करेगा, अनपोलराइज है तो यहाँ आते ही यहाँ I0/2 हो गया, ये तो पता है कि ये फोर्स ने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर दिया। नाउ अगर इसमें इसमें अगर आप एंगल देखेंगे तो अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ से श्योर ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री होगा ना, वर्टिकल से ये आप इसका पास एक्सिस ऐसे हो गया, इसका पास एक्सिस ऐसे है। सो वर्टिकल से जो एंगल आप बनाएंगे वो है 30 डिग्री, ये है वर्टिकल से बनेंगे आप जैसे ही यहाँ पे आप बाहर निकलेंगे, इस जगह का इंटेंसिटी हो गया, आप सॉल्व करिए। सो यहाँ होगा I इज इक्वल टू इनिशियल इंटेंसिटी I0/2 और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कॉस 30 डिग्री √3/2 स्क्वायर करिएगा 3/4 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 8, ये हुआ I, ठीक है I यहाँ पे हुआ। अभी मुझे फाइनल करना है तो अब बताइए इनके इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल देख रहे हैं ये वाला, ये आपका और ये एंगल जो देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लगा दीजिए मैलस लॉ, लगाइए फाइनल करिए मैलस लॉ। I फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ से रेफरेंस लेना है I इसको लेना है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यू नो कॉस 60 डिग्री 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे I by 4, I की जगह रख लेंगे 3I0/8 पुट कर लीजिए 3I0/8 32। सो जो आपको निकालना था I0/I final 32/3। सो I0/I final चाहिए था, सो I0/I final 32/3। सो 32/3 ऐसा चेक कर लेंगे, ऐसा रहेगा या 10.6। सो मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, ये सर 10.67 है आंसर, 10.67 कर लीजिएगा 10.67। तो ये क्वेश्चन तो एकदम मेडिकल जैसा क्वेश्चन हुआ। 14 दो क्वेश्चन और मैं करूँगा देन फाइनल ये टॉपिक कंप्लीट। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था उसका ड्राइंग बनाना है, हमेशा मैं बोलता हूँ साइंस में ड्राइंग आप बनाना सीखिए, गिवेन लिखना सीखिए, क्वेश्चन का ड्राइंग यही रहा। लिखा हुआ है कि केस वन में अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी आई है और टू पोलराइडर पोलराइड या पोलराइजर है ए एंड बी, और जो फाइनल जो लाइट आ रहा है वो I0/2 है, बट एक पोलराइड नया सी एड किया जा रहा है बीच में। अब कैसे उसको ओरिएंट करना है, कैसा एंगल होना चाहिए ए एंड सी के बीच में कि वही अरेंजमेंट में एक यहां डालिए, उसके बाद इंटेंसिटी I0/8 हो गया। तो दिख रहा है ऐसे तो मुझे साफ दिख रहा है, वो तो 45 डिग्री, कैसे 45 डिग्री लोग पूछते हैं। तो देखिए फर्स्ट पहले तो ये ध्यान रखिए, पहला केस जो लिखा हुआ है ये तभी पॉसिबल है कि इधर से ऐसे हो, यहां इस तरह से हो, ऐसे हो, यहाँ I0/2 हो या I/2 हो और ये भी पैरेलल हो। पहला केस तो ये तभी होगा उधर I/2 कि दोनों ये क्या हो, पैरेलल हो। तो यहां से निकला I/2
पोलराइज हो गया और ये एकदम पैरेलल है तो वो भी आई बाई टू निकल गई। ये तो पहला लाइट किलर है, वो जिससे ए और बी के बीच में पूछता तो ए और बी के बीच में एंगल तो मेरा हो जाता, श्योर होता 0 डिग्री, वो तो पता चल रहा। नेक्स्ट, अब ये मिल गया है मेरा कि यहाँ एंगल है, यहाँ ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ये एक पैरेलल है, ये तो पता चल चुका है। और अब एंगल ये इसको कैसे, हमें इसका पास एक्सिस क्या होना चाहिए। इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हैं, आप प्रैक्टिस करते ही पता चल जाना चाहिए आपको कि ये जरूर यहाँ पे 45 डिग्री है। वो तो आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये अगर आप यहाँ से लें चाहे यहाँ से लें, अगर इससे एंगल 45 डिग्री रहेगा और यहाँ से एंगल भी 45 डिग्री रहेगा तभी वो आई बाई एट आएगा। ये तो आपका आईटी मेन का पुराना क्वेश्चन था, पढ़े थे आप, कैसे कैसे सोच रहे हैं ये। तो देखिए आप यहाँ से पहले बाहर निकालिए, ये श्योर होगा आई बाई टू और इनके इनके बीच में अगर आप एंगल देख रहे हैं, अगर थीटा मैं 45 डिग्री करूँगा तो यहाँ जो इंटेंसिटी होगा मैलस लॉ आई बाई टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, सो यहाँ होता था आई बाई टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब हुआ आई बाई फोर, ठीक है। फिर देखिए ये ग्रीन लाइन और इसका रेड लाइन, ग्रीन लाइन रेड लाइन के बीच में फिर से एंगल थीटा 45 डिग्री हुआ, तो यहाँ जो लाइट निकलता उसका नाम हो जाता आई बाई फोर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और ये होता आई बाई एट। वो तो इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं को देख के पता चल रहा था कि वो सर 45 है, कन्फर्म है 45 डिग्री। थीटा एंगल बिटवीन ए एंड सी ये है 45 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन हुआ आईटी मेन का। आईटी मेन में और मेडिकल में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, एडवांस में इससे क्वेश्चन नहीं है, स्कूल में है क्वेश्चन, स्कूल का तो सारा हो ही रहा है, यही सब तो स्कूल में पूछा जाता है। अगेन आईटी मेन का एक और क्वेश्चन करते हैं, वो लास्ट करेंगे हम लोग, मैलस लॉ आज फाइनल। एक क्वेश्चन और प्रेजेंट कर रहा हूँ, अच्छा ड्राइंग बनाइएगा, सोचिएगा उसके बारे में, ये शायद बेस्ट क्वेश्चन होगा आज का। ये है आई टी मेन का बेस्ट क्वेश्चन या पोलराइजेशन का आप बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उससे एक अच्छा ड्राइंग बनाना है, साइंस पढ़ने का यही मेथड होता है, आप जो क्वेश्चन को है उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे उस तो आपको इजी लगेगा, काफ़ी आसान लगेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू प्लेन पोलराइज लाइट, लाइट ए लाइट बी, इंटेंसिटी ए इंटेंसिटी बी आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा हुआ कि टू प्लेन पोलराइज लाइट, ये एक प्लेन पोलराइज लाइट है और दूसरा एक और है प्लेन पोलराइज लाइट है जो कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो इनिशियल ऐसे लिखा हुआ, दोनों के सामने एक पोलराइजर लगाना है। ऐसा लगाने पे लिखा हुआ कि ए के थ्रू इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब ये और ये पैरेलल है कि सारा लाइट को जाने देगा यहां पर, और बट लिखा हुआ कि बी के थ्रू 0 इंटेंसिटी है, तो समझ गया कि ये ऐसे ही रहेगा और इसके बीच में इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन यहाँ है 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री रहेगा तो इसमें से पास नहीं करने देगा 0 इंटेंसिटी। तो जरूर आपका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ कि मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी ए के थ्रू निकल रहा है, बी के थ्रू 0 आ रहा है, तो श्योर ओरिएंटेशन ऐसे होगा, जो आपका पोलराइजर है पोलराइजर का ओरिएंटेशन श्योर ऐसे करना, ये तो कंफर्म, ये भी आपका ऐसे रहेगा कि एक भी लाइट फिल्टर नहीं होगा, ठीक। फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं इसको 30 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, अगर पोलराइजर को 30 डिग्री से रोटेट करूंगा, ऐसा करने पे दोनों का जो इंटेंसिटी आ रहा है इस साइड, जो इंटेंसिटी जो इमर्ज करके निकलेगा सेम लाइट इंटेंसिटी, दोनों का ए का बी का दोनों का सेम लाइट इंटेंसिटी है, सो आई ए बाई आई बी का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन यही है, अगर आपको बढ़िया ड्राइंग को जो क्वेश्चन है उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेरा आंसर 1 सेकेंड का दिख रहा है, आंसर हो गया 1/3। पहले जो स्टेटमेंट है कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर, वन पोलराइजर, मैक्सिमम इंटेंसिटी, श्योर पैरेलल, 0 इंटेंसिटी, ऐसा है। अब इसको 30 डिग्री से रोटेट कर लेंगे।
जैसे ही आप 30 डिग्री रोटेट करेंगे, यहां मैलस लॉ देखिए, इसमें इस वाले में ऐसे और इसमें एंगल जो है वो 30 डिग्री। और मैलस लॉ क्या कहता है कि आई फाइनल इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये मैलस लॉ। और अब यहां देखेंगे, ये इसका प्लेन ऐसे हो गया और यहां से अगर इसके पोलराइजर सीट में एंगल देखेंगे तो अगर यहां 30 डिग्री है तो श्योर ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसके रिस्पेक्ट में 30 डिग्री तो इसके रिस्पेक्ट में 60 डिग्री। और जो मैलस लॉ बोला जाता है कि आई एफ इज इक्वल टू आई बी और एंगल कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इक्वेट कर लेंगे आप क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है कि दोनों इंटेंसिटी सेम है, फाइनल जो इंटेंसिटी फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी दोनों सेम है, आपका आंसर रेडी है। सो आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, आई ए रूट 3 बाय 2 स्क्वायर, आई बी 1 बाय 2 स्क्वायर 3 आई ए इज इक्वल टू आई बी। सो मुझे चाहिए था आई ए आई बी 1 बाय 3। ये कंप्लीट मैलस लॉ फाइनल, काफी इंपॉर्टेंट है बट सिंपल है, उतना ही आसान है। पोलराइजेशन फाइनल एक क्लास और मैं लूंगा जिसमें मैं आपको समझा दूंगा ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट निकॉल प्रिज्म, कैसे कन्वर्ट करना है आपको अनपोलराइज लाइट इनटू द पोलराइज लाइट, वो केमिस्ट्री में भी आएगा फिजिक्स में भी आएगा, तो एक क्लास और मैं पोलराइजेशन पे ले लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन कम है, एम्स का एक क्वेश्चन मैंने देखा है तो वो एक भी क्वेश्चन आया है तो मुझे कराना है, उसको तो छोड़ेंगे नहीं। सो नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, मैलस लॉ फाइनल, ब्रूस्टर्स लॉ फाइनल, पोलराइजेशन का मेजर पार्ट फाइनल।